Guys, go through last lecture notes. Good evening, sir. Good evening, Peter. Anyone having any doubts? Sir, can you discuss TWT paper? Which paper? Empty paper. TWT, sir. So you have, TWT. So you have doubts? Poocho bata. You can send your question. भेज रहे हो बेटा? सर मुझे भी एक डाउट है, बोलूं? अच्छा एक मिनट, पेपर शायद मेरे पास है, बोलो क्वेश्चन नंबर बोल दो। सर मतलब मुझे ऐसा डायरेक्टली चैप्टर एरोमेटिक में डाउट है ऐसा। अच्छा पूछो। सर जो SOCl2 का आपने सर ये जो कैटलिस्ट है इसका सर काम क्या है? क्या चीज, किसका कैटलिस्ट? SOCl2 ये कैटलिस्ट नहीं है बेटा, SOCl2 एक रिएजेंट है जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म से पढ़ना शुरू किया था। इसको हम लोग थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। यस सर। और इसका काम है OH को Cl में कन्वर्ट करना। सो मोस्टली ये ROH को RCl में कन्वर्ट करता है या फिर RCOH को RCOCl में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। यस सर। और कुछ? और सर जो KMnO4 और हॉट KMnO4 सर दोनों का सेम ही फंक्शन है ना, कुछ चेंज नहीं है ना, दोनों ही ऑक्सीडाइज करेंगे? वो डिपेंड करता है बेटा कहाँ पर दिया हुआ है KMnO4, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उस पर्टिकुलर एग्जांपल में। जैसे मान लो एल्कीन के साथ दिया हुआ है और खाली KMnO4 लिखा हुआ है तो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या फिर ऑप्शंस देखकर गेस कर लोगे। KMnO4 अगर कोल्ड है तो इसको बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, उस सिचुएशन में OH लगेगा। अगर यहीं पर हॉट होगा तो ये क्लीवेज कर दोगे। लेकिन अगर वही बेंजीन के साथ KMnO4 दिया हो तो हमेशा इसको हम हॉट KMnO4 मानते हैं, और अगर कोल्ड है तो इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। हॉट KMnO4 होगा और एल्काइल बेंजीन दिया होगा तो फिर ये ऊपर COH बना देगा। यस सर, ओके, थैंक यू सर। चलो किसका ये पार्थ बेटा, तुमने क्वेश्चन डाले इसके लिए? सर मैंने तो उसमें चैट में अभी तक किसी ने पार्थ अरोड़ा ने डाला है। यू आर नॉट पार्थ अरोड़ा। सर मैं यू, बट मैंने नहीं डाले हैं। अरे चुप रहे, इधर डाले हुए क्वेश्चन। सर ट्राई मैसेजिंग सर, वो कोई और होगा सर मेरे नाम से। क्या कोई और पार्थ अरोड़ा है बेटा इसमें? पार्थ बहुत होता है सर, ये क्लास में कोई आता है निकल जाता है मेरे नाम से। तुम्हारा नाम इतना यूज किया जाता है, कितने तुम पॉपुलर हो। तुम्हारे नाम से मेरे को 24, 36, 37 क्वेश्चन आया है। क्या असली में यही डाउट तो नहीं है? कोइंसिडेंस बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। नहीं नहीं सर। अरे फिर ये डाउट्स मैं नहीं ले रहा हूँ। ओके अब किसी और के, तो ऐसे ही बोल दो बेटा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस कर दिए तो मैं सब कंफ्यूज हो गया। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा, एक एक करके ले लेते हैं। 25, 21। एक मिनट, एक एक करके यार, क्या मुझे क्या तुम लोगों ने क्या सुपरमैन समझ रखा है। 25th क्वेश्चन है ना सर, 26th भी। एक एक करके बेटा, एक साथ नहीं डील कर पाएंगे। ये जो 25th क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, सॉरी ये अगर आयोडीनेशन करना है तो यहीं पर होगा, इस जगह पर। लेकिन आयोडीनेशन की खास बात क्या होती है बेटा,
कि पहले कोई भी हेलोजिनेशन की खास बात क्या होती है कि सबसे पहले वो बनाता है साइक्लोहेलोनियम आयन, ठीक, फिर एक दूसरा आई माइनस अटैक करेगा, लेकिन अगर कहीं पर भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, चाहे वो इंटरनली प्रेजेंट हो या एक्सटर्नली, उसके अटैक करने की ज्यादा चांसेस है। कई क्वेश्चंस आपके बुकलेट में हैं इस पर बेस्ड। सो इस वाले में क्या हुआ कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है ना, या सोडियम कार्बोनेट, वो इस एसिडिक एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जीओसी का कॉन्सेप्ट। तो तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको यहाँ पर जो है एक ओ माइनस मिल जाएगा। ओ माइनस किस चीज का काम करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल का। तो वो अब अटैक करेगा यहाँ, ठीक है ना, वो अटैक करेगा इस तरह से और ये इस तरह से लीव करेगा। अब यहाँ रिंग बन जाएगा उस अटैक की वजह से। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। क्या सबको समझ में आया बेटा? यस सर। इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, इसको आप अच्छे से सोल्यूशन बनाकर रखिए। ऑल्दो ऐसे कई क्वेश्चन तुमने किए हुए हैं, याद करो, ऐसा एक क्वेश्चन रिंग इस तरह से था, यहाँ OH दिया हुआ था, तो सेम मैनर में यहाँ तुमने Br+ बनाया था, फिर इधर अटैक किया था, ये ऐसे लीव किया था, तो ऐसे क्वेश्चन तुमने पहले भी किए हुए हैं। बट फिर होता क्या है, कई बच्चे अचानक से कुछ भी चेंज होता है तो उसको उसको वो उसके अकॉर्डिंगली अडाप्ट नहीं कर पाते, तो उनको इस तरह के कई सॉल्यूशंस बनाकर रखना है कि हल्का फुल्का भी उनको अगर स्ट्राइक करे तो सही आंसर तक पहुंच जाए। कॉपी कर लो। और कौन सा क्वेश्चन बोला है बेटा? 24 सर। 26 24 भी किसी ने बोल दिया मुझे। बेटा ये तो सीधे सीधे लिंडलार कैटलिस्ट है, ये केवल ट्रिपल बॉन्ड को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड को, और किसी चीज को नहीं बेटा। तो खाली ट्रिपल बॉन्ड को देखो, सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए। सिस का मतलब होता है कि जब ट्रिपल डबल बनेगा तो उसके डंडे ऐसे होंगे, समझे ना, जहां पर भी होगा ऐसे या फिर ऐसे, दो ही पॉसिबिलिटी है सिस के लिए। ऐसा मैच करा लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला? 21 पीछे जा रहे हो, मैं सोच रहा हूँ आगे आओगे। 21 तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे ये एल्काडाइन का क्वेश्चन है। जब भी कॉन्जुगेटेड डाइन दिया होगा तो वो एल्काडाइन का क्वेश्चन होगा बेटा, उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको। एल्काडाइन भूल गए क्या बेटा? 1-4 एडिशन वाला स्टाइल, स्ट्रेट, ये तो तुम्हारे नोट्स का क्वेश्चन आ गया, तुमने मिस्टेक कर दी, ये तो मैंने नहीं किया था बेटा। वन फोर एडिशन करना होता सीधे सीधे, स्ट्रेट आंसर, दिस इज द आंसर ऑन, इसमें कोई चेंज ही नहीं कर। इज इट क्लियर? यस सर। सर 30 का सी पार्ट। 30 का somebody is asking sir, can you please send the PDF question paper? किसी के पास question paper है तो भेज सकते हो, या फिर मुझे ही भेजना पड़ेगा? सर मैं भेज दे रहा हूँ। बेटा कौन सा क्वेश्चन पूछा मेरे को, आवाज मैं बात कर रहा था। 30 का सी पार्ट। 30 है राइट? 30। यस सर। इसमें क्या बोलता है ये? ये तो वही है बेटा, सीधे सीधे कि तुम्हारे जो भी फ्री रेडिकल्स पॉसिबल होंगे, सारे के सारे फ्री रेडिकल्स को आप आपस में ज्वाइन करा दो। सर पर वो सीओओ है, वो CO2 नहीं बन जाता, तो फिर वो सी पार्ट कैसे करेक्ट होगा? सी पार्ट करेक्ट दिया हुआ है क्या? यस सर। यस सर। 30th में When an aqueous solution containing this MeCO से Me आ जाएगा, तो Me radical बनेगा, कहीं से ये CH3CO O radical मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है, पहले वाले से मिलेगा ना, प्रॉब्लम क्या है? तो रेडिकल नहीं मिलेगा ना, रेडिकल नहीं मिलता है, क्या मजाक कर रहे हो यार? हाँ समझ गया सर, मिलता है, ये तो रेडिकली तो मिलता है, मतलब क्वांटिटी कम मिलेगी लेकिन रेडिकल मिला है तो वो सारे के सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप वाला रेडिकल है ना सर?
हाँ ये फर्स्ट ईयर वाला रेडिकल है. ओके इसमें कंट्रोवर्सीज भी हैं लेकिन अवॉइड कर देते हैं. इसमें कोई जब भी मल्टीपल क्वेश्चंस आए ना तो रिस्क नहीं लेना चाहिए उतना, नहीं तो क्या होगा तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा. तो अगर मतलब मैं आपकी जगह ऐसा स्टूडेंट होता और मुझे डाउट होता तो मैं टिक नहीं करता. मतलब जबरदस्ती का रिस्क लेके नहीं करना है कि तुम एबीसीडी के चक्कर में आ जाओ. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप उसमें प्लस थ्री ले आए रादर देन कि उसमें माइनस वन या माइनस टू आप कर ले. ठीक है तो मल्टीपल जो मोर देन वन वाले उसमें रिस्क नहीं लेना एक्चुअल एग्जाम में भी. ठीक है नेक्स्ट बोलो बेटा. 26 में क्या डाउट है बेटा? सर आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया. कोई बता सकता है बेटा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये ओजोन इंडेक्स का क्वेश्चन है. एल्कीन का स्ट्रक्चर दिया है. क्या डालते हैं तो मैंने आपको लिखाया भी होगा कि मोस्ट पॉपुलर जो है वो जिंक H2O. उसके अलावा मैंने इन्होंने तो केवल एक पूछा है, एक ही सही सही दिया. मैंने आपको चार या कितने लिखाए होंगे तुम्हें तो वो बहुत ज्यादा आपके पास है. तो उस आपका ये भी आंसर सही होना चाहिए था. मतलब आप ये समझिए बेटा कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका टीचर है अगर वो आपको वो सारे नोट्स दे पा रहा है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो समझ लो एक बोर्ड एग्जाम की तरह वो हो गया. वरना केवल सिलेबस में जो पॉइंट लिखा होता है ना उस उतना ही लोगों को पता होता है. तो अगर उसके बेसिस पे रीड करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा. तो जितनी इनडेप्थ एनालिसिस पॉसिबल है अगर वो फॉर्चुनेटली आपके पास है तो उसमें से तो मार्क्स कभी जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसके अलावा देयर विल बी क्वेश्चंस जो हो सकता है तुम्हें टीचर ने डायरेक्ट ना कराया हो, उसमें तुम्हें अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा. उसमें मिस्टेक होती है इट्स ओके, लेकिन जो तुम्हारे नोट्स में है उसमें नहीं होनी चाहिए. आई होप आप समझ पा रहे हो. ठीक है सो करो नोट्स अच्छे से बनाओ बेटा. टीचर्स में भी ऐसे ही डिफरेंस आता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को 2-3 years का एक्सपीरियंस है, ब्रेन बहुत अच्छा है बट वो नोट्स उतने नहीं होंगे उसके पास. तो आप अपने नोट्स को अच्छे से इस्तेमाल करो, रीड करो, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो तो धीरे धीरे वो माइंड में अंदर जाएगा और वो जाएगा तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा. जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा कम टाइम में. तो उसको यूज जरूर करो और वो गलत नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट कौन सा बोला बेटा आपने? सर 38 उसमें मुझे आंसर 4 आ रहा है. 38 है क्या? ये नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स पॉसिबल, नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स पॉसिबल इन प्रोडक्ट अपॉन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस विद एक्सेस ऑफ दिस. आपको कितना आ रहा बेटा? 4 आ रहा है. और आंसर आंसर कितना दिया है? आंसर 5 है. ओ तो आप मतलब एक मिस कर रहे सारे तोड़ दो तो बहुत ही आसान सा लग रहा है. हाँ सर पर उसमें ना वो जो दो बड़े वाले हैं ना वो सेम आ रहे हैं और उसके बाद CO2 है और फिर दो और है जो मतलब एक्स्ट्रा बन रहे हैं मेरे काउंटिंग के हिसाब से. तो CO2 हटा दो, मतलब CO2 नहीं काउंट होगा. किसी और को नहीं आया क्या बेटा इसमें? नहीं सर आंसर 5 है, मुझे 4 CO2 इंक्लूड करके मिला. तो क्या उन्होंने जो सोल्यूशन वगैरह दिया होगा उसमें क्या इंक्लूड किया है उन्होंने? और अगर किया है तो गलती कर सोल्यूशन एक्चुअली मिला नहीं है अभी तक. अच्छा कोई नहीं सर, बट मेरा भी 4 ही आ रहा था पता नहीं. तुम्हारा भी 4 आया था. लेट्स सी ये हो गया पहला आंसर. ये यहां से कनेक्टेड ही होगा ऐसा. CO2 कहां से मिल गया आपको बेटा? HCO मिले जो टर्मिनल. हाँ वही वही सॉरी हाँ जो टर्मिनल वाला है उसकी बात कर रही हूँ. वो तो HCO तो दिस इज प्रोडक्ट. CO2 काउंट नहीं, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड. अरे टर्मिनल से ही आता है बेटा.
मान लीजिए ऐसा लगा हुआ है, ये टर्मिनल है, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो HCHO मिलेगा, ऑक्सीडेटिव में फॉर्मिक बन के CO2 बन जाता है. अच्छा, तो दिस इज परफेक्टली यू नो दैट फॉर्मल्डिहाइड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. हां, तो सर फिर भी मतलब फिर भी कैसे, अभी CO2 आपका बोल रहे थे उसको मिला के 5 है और नहीं, मैंने नहीं, नहीं, CO2 मिला के 4 है और आंसर 5 है. ओहो, आप तो बिल्कुल ही, तो अब ये एक तो ये बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ, चलो एक तो बढ़ाया कम से कम आप. फिर वन प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस. एक प्रोडक्ट तो मिल गया आपको, मिला कि नहीं मिला? Yes, sir. फिर और क्या प्रोडक्ट मिल सकता है? एक प्रोडक्ट तो ये मिल गया आपको, ये मिला कि नहीं मिला? एक प्रोडक्ट तो ये मिल गया, कितने हो गए? सर पर जो दोनों बड़े वाले हैं वो सेम ही है ना? ये दोनों सेम है. अर्श, आप चेक कर लो, ये तूने सेम है. अगर सेम है तो फिर आंसर गलत दे दिया है. और हाँ, अगर सर, दोनों सेम है. बेटा सब लोगों ने चेक किया है? सब लोग चेक कर लो, अगर सेम आते हैं तो क्लेम कर दो. ठीक है, और बोलो. सर 40th. 40th में क्या डाउट है बेटा? NBS है, फ्री रेडिकल बनाओ सबसे पहले तो, और फ्री रेडिकल जब बना लो तो उसके बाद उसमें कोई रेजोनेंस वगैरह से इधर उधर हो सकता है वो देख लो. नहीं समझ में आया? इसमें पूछा क्या है? नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर of all mono bromo products of the following reaction. अच्छा, इसमें तो product का enantiomeric ये नहीं पूछ रहा है कि how many mono bromo products, ऐसा तो नहीं पूछ रहा है. चलो कोई नहीं, तो NBS का काम क्या है बेटा बताओ? bromine supply करना. अरे वो तो ठीक है रे. allylic substitution क्या है? allylic. तो सबसे पहले तो एलाइलिक पोजीशंस कौन कौन सी है ये बताओ. एक ये एलाइलिक पोजीशन, दो पोजीशंस, एक ये एलाइलिक पोजीशन, ये क्यों नहीं है बेटा? हां सर, इन दोनों फिनोल. क्या कोई आइडेंटिकल तो नहीं है? ऐसा तो नहीं ये दोनों आइडेंटिकल है? क्या लगता है? नहीं है सर. तो तीन पोजीशंस आ गई, इसका मतलब तुम तीन जगह फ्री रेडिकल बना सकते हो. ठीक, यस सर. यस सर, तीन जगह फ्री रेडिकल बनाया, उसके बाद उनका रेजोनेंस चेक कर लिया, क्या रेजोनेंस से डिफरेंट मिलता है? अगर रेजोनेंस से डिफरेंट मिलता है तो उसको भी बनाओ, और फिर उसके बाद उन पे डीआर लगा दो और फ्री रेडिकल पे. क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? यस सर. क्या ये दोनों सेम है या ये किसी से मैच करता है? अगर नहीं तो वो भी हमारे लिए एक चीज हो जाएगा. इस वाले में देखो क्या ये डिफरेंट है बेटा, अगर डिफरेंट है तो इसको भी कंसीडर करोगे. इस वाले में देख लो, ये वाला मेरे ख्याल से सेम निकला है ना? यस सर. हाँ, तो ये सेम हो गया, इधर से एक आ जाएगा, एक का मतलब है ऐसा. यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ भी आ रहा है तो काइरल कार्बन कितने ये चेक कर लो, इसमें भी उसी तरह से बीआर लगा दो, फिर ये चेक कर लो काइरल कार्बन कितने हैं, और फिर इसी तरह से यहाँ वाले में भी कर लो बेटा, और ये भी चेक कर लेना कोई स्पेशल केस तो नहीं बन रहा है. क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? यस सर. और फिर बस इस तरह से आप निकाल. समझ में आया? यस सर. अच्छा, इसमें ऊपर वाले में भी तो बनेगा,
ये सब मैं मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से खुद ही कर लोगे ना, एक इधर से ही बना लेना ठीक। यस सर। मेरे ख्याल से इस तरह से उन्होंने निकाल के दिया, इधर से दो, एक दो तीन चार पांच, इस तरह से कितना दिया हुआ है? Five. इसी तरह से किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? नो सर। और बोलो, और कोई डाउट? आवाज किसी की नहीं आई, दोनों लोगों ने ठीक से नहीं बोला। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल, वही है, एक बार याद करो मैंने बोला था कितने कंटेनर में इकट्ठा कर पाएंगे, तो जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनको एक कंटेनर में इकट्ठा करेंगे, तो कंटेनर मतलब फ्रैक्शन, वो ये शायद कहना चाहता है। क्या समझ में आई मेरी बात? यस सर। दो अलग अलग इनेंशियोमेरिक पेयर आते हैं तो दो फ्रैक्शन, अगर एक इनेंशियोमेरिक पेयर है तो भले वो दो है लेकिन काउंट एक होता है क्योंकि फ्रैक्शन एक है। क्या चीज सर? आंसर 3 दिया। किसी ने सॉल्व किया बड़ा इसको? बोलो, किसी ने सॉल्व नहीं किया है? तो बराबर है उसका, दो कायरल कार्बन होते हैं तो फिर एक पेयर हो जाएगा आर आर एस एस, दूसरा हो जाएगा आर एस और एस आर, तो दो हो जाएंगे ना एनांशियोमेरिक पेयर, तो दो फ्रैक्शंस। और इसमें एक खास बात जानते हो क्या है? एक काइरल कार्बन ऑलरेडी दिया है जो कि कुछ जिसको आप टच नहीं कर रहे, तो एक्चुअली में जो आपका कुछ और मिलने वाला था उसमें ये जो है क्या बोलते हैं डायस्टीरियोमेरिक वे में आएगा, तो जो डायस्टीरियोमेरिक वे में आता है ना तो वो दोनों काउंट होते हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो पेयर है तो एक कंटेनर में जाएगा, डायस्टीरियोमर्स अलग अलग कंटेनर में जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर भी दो दो ही आ रहे हैं, दो ही डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर डी आ रहा है और ये इन्होंने दे दिया है ना, फिर यहाँ पर एक बी आर आ रहा है और यहाँ पर एक बी आर आ रहा है, ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं है। तो दो कैसे आपने बनाया? केवल इसके बेसिस पे बेटा? सर मैंने अज्यूम किया कि जो कार्बन पे डी लगा हुआ है वो अगर एल कॉन्फ़िगरेशन में है तो जो दूसरा कार्बन वो डी भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, तो एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा और एक इनएक्टिव होगा, तो दो डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन सा हो सर? जो दूसरा वाला अगर डी हो गया तो एक एल एक डी इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर दोनों डी है तो फिर नहीं। नहीं लेकिन ये तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये कभी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा। नहीं समझ में आया? ये कभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ही नहीं, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो सर दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मिलेंगे। दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिले, आप ऐसा कह रहे हो? सर लाइक पेयर्स एनांशियोमर्स लाइक टू रेज द पावर ऑफ एन करके, टू टू दी पावर एन फॉर्मूला नहीं लगेगा सर। यहाँ पे डी वाला जो कार्बन है वो काइरल होगा और उसके बाद वाला बी आर वाला कार्बन काइरल होगा ना, ये काइरल है। हाँ तो दो हो गए ना सर, तो कॉम्बिनेशन चार हो जाएंगे ना, आर आर एस एस आर एस और एस आर, तो उनमें से दो पेयर हो जाएंगे इनांशियोमर्स के। सर बट मैंने जो लॉजिक लगाया उससे जो डी वाला कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले से फिक्स्ड होना चाहिए, लाइक वो चेंज नहीं होगा।
तो अगर वो आर है तो दूसरा एसआर आर हो सकता है, अगर दोनों आर है तो एक्टिव होना चाहिए और अगर एक एसआर एक आर है तो वो इनएक्टिव होना चाहिए। बात तो इसकी सही है यार, उसने बात तो सही, क्योंकि एक्चुअली इसका कॉन्फ़िगरेशन उसने ऐसा बनाकर दे दिया है, और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाकर दे दिया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लो डी है, ये तुम्हारा काइरल यहाँ पर मिल रहा है, तो ये तुम्हारा डी और एल दोनों हो सकता है ना। तो अगर आप इसको डी डी ले लेते हो और दूसरा डी एल हो सकता है, केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो जाती है कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन उसने कोई और दिया तो भी। आंसर कितना दिया बेटा? थ्री दिया, तो कुछ भी करके थ्री तो नहीं होगा ना आंसर? नहीं, आंसर हर तरफ से दो ही आ रही। आंसर तो दो होना चाहिए इसमें। इसने एक मिनट कुछ और तो मिल नहीं रहा ना, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ और प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा, मतलब इसके अलावा कोई प्रोडक्ट मिल नहीं सकता, और अगर मिलता भी तो वो तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता, इसके अलावा तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा है। सर सर नीचे जो सॉल्वेंट दिया हुआ है उसका कोई काम हो सकता है? सर ब्राइन की वजह से सीएल तो नहीं जुड़ेगा? हाँ एक ब्राइन दिया हुआ है। ओहो नहीं नहीं हाँ ब्राइन सॉल्यूशन का आपको मिलेगा, फिर उसने सीएल वाला चक्कर होगा, वो इसकी वजह से दिया होगा भाई, उसने चुपचाप ब्राइन नीचे लिखा हुआ है बेटा, तो वो एक्स्ट्रा जो मिलेगा ना वो वहां से आएगा और कहीं से नहीं आ सकता। फिर अगर ब्राइन होगा तो फिर क्लोरीन वाले ही प्रोडक्ट बनेगा ना, तो दो बीआर भी नहीं जुड़ेंगे ना, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। क्या बेटा दोबारा बोलो सर? अगर ब्राइन अगर मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, लेकिन उसने तो ऐसा बोला नहीं है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, मतलब तो दोनों पॉसिबिलिटी लेंगे। ओके सर, पर फिर अगर ब्राइन भी कंसीडर करेंगे तो वो तीन से ज्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे ना? हाँ सर, फिर तो चार एनेंटियोमेरिक पेयर हो जाएंगे। क्यों? तो एक बीआर वाले केस में दो पेयर्स मिल रहे और एक सीएल वाले केस में और दो पेयर्स, और फिर सर वो और फिर वो एक बीआर और सीएल वैसा भी कनेक्ट हो जाए तो। लेकिन इसमें एक्चुअली साइक्लिक होता तो हम थोड़ा सा एंटी एडिशन वाला जो चक्कर है ना उसमें प्रॉब्लम होता है, कि अगर मान लो जैसे जिस डायरेक्शन में इन्होंने वो दिखाया ना डी, तो उधर से अटैक करने में डिफिकल्टी आती है। अगर मान लो इसमें ब्राइन सॉल्यूशन दिया है ना, तो हम लोग इसको ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर हमने सीएल लगा लिया है ना, तो ये तो तुम्हारा इधर बी आर ही आ रहा है, इसको प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने ये लगाया तो स्ट्रक्चरली तो ये दो प्रोडक्ट्स हो गए। अब में ये अगर ये एच होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसने दिया होती तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बट लैंग्वेज भी गड़बड़ है, क्योंकि अगर ये क्या बोलते हैं नंबर ऑफ फ्रैक्शंस की बात करेगा तो एन ए बी आर भी एक प्रोडक्ट होगा, तो अगर वो कर रहे हैं तो वो उसको भी इकट्ठा करेंगे। क्या तुम समझ पा रहे हो? मतलब अगर केवल हम प्रोडक्ट मिक्सचर की बात करेंगे तो एक प्रोडक्ट तो ये मिला, एक प्रोडक्ट ये मिला, और एक प्रोडक्ट तुम्हारा एनएबीआर भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा, तो कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग इसको डालो, इससे क्या होगा कि जिस टीचर ने अगर बनाया होगा तो वो
क्लियर करके देगा, नहीं तो बोनस हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे बेटा, तो जिसने टू लगाया उसका तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर केवल स्ट्रक्चरल के बेसिस पे चला जाएगा और अगर हम इमेज बीआर को प्रोडक्ट की तरह कंसीडर कर लें तो वो थ्री होगा, बट वो नहीं कंसीडर होना चाहिए, वो केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही कंसीडर किए जा रहे हैं। क्या चीज पेपर तो आपने बनाया था? ये पेपर मैंने नहीं बनाया बेटा, क्वेश्चंस मैंने दिए होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ लिया हो, लेकिन पूरा पेपर नहीं। पेपर बहुत बहुत सारे पेपर्स बेटा मांगे हैं, तो बहुत सारे टीचर्स ने अपने अपने पेपर्स दिए हुए, तो ऐसा नहीं करते हैं अभी वो कि पूरा का पूरा पेपर ही किसी का ले, ठीक है। सर एक और डाउट था, 34 का सी पार्ट, ये तुम अपने सेंटर पे या जिससे भी आप क्लेम कर सकते हो, कह दो कि इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा, या तो कम आ रहा है नहीं तो ज्यादा आ रहा है। चलो और बोलो। 34 थी। 34 में क्या प्रॉब्लम है? सी पार्ट 34th के सी प्रॉब्लम, इसमें कलर्ड कंपाउंड। कलर तो यार मतलब कलर के बारे में पी वाला तो अच्छा, ये तो वो है, मुझे मेरे दिमाग में बेंजीन रिंग आ रहा था। ना 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 ये तो तुम्हारा क्या बोलते हैं डाइमराइजेशन वाला जैसा, नहीं नहीं ये तो वो है यार वो टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट, रेड कलर बिल्कुल सही है ना, ये बनता है ना, नहीं समझे? एच हट के सी लग जाता है। टॉलेंस रिएजेंट वाला एक टेस्ट लिखाया था, एक अमोनियकल क्यूपरस क्लोराइड याद करो, तो ये अमोनियकल क्लोराइड तो जिसमें रेड प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है बेटा। सर और एक बार सिर्फ 39 समझा दो ना, वो आया नहीं था बेटा, किसी को आया? ये तो मेरे को आसान लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने खुद क्लास में कराए हैं। सीधे सीधे पहले डिहाइड्रेशन करा लो, लेफ्ट राइट में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसमें सिस्ट्रांस वगैरह बनता है तो वो भी बना लो, फिर बेयर्स रिएजेंट डालोगे तो उसमें सिन एडिशन होता है। किसी ने कैसे आया वो समझ में नहीं आया, सारे मतलब सारे प्रोडक्ट शायद नहीं मिले मुझे बेटा। किसी ने किया है? जिन्हें नहीं किया है क्या इसको? 39 बोल रहे, किसी ने नहीं किया है? अरे यार सारा मुझसे ही करवाएंगे, अभी तो बताया बड़ा मैंने, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, और इसमें सिस ट्रांस दोनों दिखा दो, नहीं समझ में आया। ये हो गया आपका, तीन प्रोडक्ट्स मिल गए आपके, अब आप इसमें बियर्स रिएजेंट डालोगे तो दो ओएच आपको ऐड करने, तो इसमें तो एक ओएच यहाँ आ गया, एक ओएच यहाँ आ गया, नहीं समझ में आया। हाँ सर, ना समझा, सिक्स प्रोडक्ट काउंट करके आता है मैथ्स से, उसके बाद पहले सारे प्रोडक्ट्स तो लिखो उसके बाद मैथ्स लगाना, नहीं समझ में आ रहा है। और इस वाले में ट्रांस है, ये इतना आया उतना आया क्या होता है, आपने ठीक से किया ही नहीं। सिन एडिशन होता है टी, और सिन एडिशन है एस, तो इसके साथ आएगा रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा हाँ सर, मैंने वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं किया। चलो, और ये सिमेट्रिकल नहीं है बेटा, तो यहाँ पर भी ये मेजो तो मिलने से रहा, तो यहाँ पर भी आपका रेसिमिक आएगा, और यहाँ भी काइरल कार्बन आ रहा है तो प्लस इनेंशियोमर आएगा ही आएगा, तो दो दो सारा तो मेरे से करवा लिया। नहीं, नहीं वो ऑप्टिकल बैग हो गया बड़ा। सबसे और yes, कोई confusion? और कोई कंफ्यूजन नहीं है राइट? नो सर। बोलो बड़ा। सर आप फर्स्ट पेज दिखा सकते हैं? फर्स्ट पेज
कहाँ गया यार, एक फर्स्ट पेज पे उसे लिखा भी था क्या, ये देख लो। अच्छा इसका नेक्स्ट वाला है। अरे यार तुमने परेशान कर दिया, तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन सर्च कर रहा था। हाँ, देख लो सर, अगर उसमें एक्सटर्नल कोई न्यूक्लियोफाइल और होता तो प्रोडक्ट क्या बनता बड़ा, इसकी कोई हेल्प करो तब तक मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन ढूंढ कर लाता हूँ। कोई हेल्प करो इसकी। कोई हेल्प करने के लिए नहीं है क्या? एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल होता तो वो अटैक कर लेता। ओके थैंक्स। इतनी आसानी से सब हो गया, थैंक्स भी हो गया। एक मिनट। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो आप जे एडवांस के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। थोड़ा सा हो सकता है आपको कहीं पर डिफिकल्टी आए, बट मैं हिंट दे दूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप उसके लिए रेडी हैं। वो क्वेश्चन आया क्या बेटा आपके पास? क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। हाँ फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नॉर्मल स्क्रीन पे जाता हूँ एंड आप अटेम्प्ट करिएगा। एक छोटा सा हिंट मैं लिख दूंगा। तुमने ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? आवाज नहीं आ रही क्या मेरे पास? यस सर। यस सर। ओके एक हिंट मैं आपको देता हूँ बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो शायद आपको याद हो, मैंने ये बोला था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट्स एज अ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, याद है क्या? यस सर। बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो जब कभी भी ये बेस की तरह काम करेगा तो पानी के साथ रिएक्शन हो, या फिर एल्कोहल के साथ रिएक्शन हो, या फिर टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन हो, तो किसी के साथ भी रिएक्शन हो, इस R का काम है H को निकालना बस, और हर बार क्या देगा बेटा? RH, ठीक। As a nucleophile, ये अटैक अलग अलग कंपाउंड्स में करता है, जैसे एल्डिहाइड्स कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं हम पहले से जानते हैं, तो ऐसे अटैक करेगा, इसको शिफ्ट करा देगा और यहाँ पर O- बनेगा जो प्रोटोनेट होने के बाद OH बन जाएगा। ऐसा अगर इसी का रिएक्शन तुमने एस्टर के साथ करा दिया, तो याद है एस्टर एक एसिड डेरिवेटिव है, अगर थोड़ा बहुत भी तुम लोग याद कर पाओ तो एस्टर एक एसिड डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन याद है मैंने लिखी थी AnDn, कैन यू रिकॉल? यस सर। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। AnDn में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इसको समझ लो निकाल, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन, बट ये SN1 SN2 वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये AnDn वाला सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके रिएक्शन से ये जस्ट हिंट है, ऑल्दो मैंने ये सब कराया हुआ, लेकिन आप
इस तरह का एक बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो देर आर चांसेस कि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए इसको माइंड में रखना, कहीं ना कहीं ये यूज हुआ है. यस ठीक है बेटा. यस सर. अब आप अटेम्प्ट करिए. ये वन और मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है बेटा, और कोशिश करना कि इसका आंसर आपको परफेक्ट आया. यस सर. ये एक्चुअल जे एडवांस का क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसको माना गया है. इससे बहुत ही खराब लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं एडवांस में, बट दिस इज कंसीडर्ड एज अ गुड क्वेश्चन. इसमें सीक्वेंस खराब लेवल मतलब इजीियर की हार्डर. क्या बेटा आपने कहा है सेवी खराब लेवल क्या है? खराब मतलब हार्डर की इजीियर, मतलब इससे नीचे लेवल के क्वेश्चन है. मैं ये कह रहा हूँ नीचे लेवल का मतलब वो भी अच्छे होते हैं, बट इसमें ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन माना गया क्योंकि इसमें सीक्वेंसेस बहुत दिए हुए हैं. देखो ना एरो के ऊपर कई सारे रिएजेंट्स, उसको सीक्वेंस वो बोला जाता है, तो वो बहुत सारा देना मतलब कंफ्यूज हो जाना. किसी ने मुझे आंसर भेजा पर्सनली. तुमने किया है क्या पार्थ? या तुम्हारे नाम से किसी और ने किया होगा? नहीं सर मैंने भेजा है. ए चुप, अभी तो कहता है कि मेरे नाम से कोई दूसरा मैसेजेस करता नहीं, आज है. मैं कह रहा हूँ ना आज मैं हूँ. आज क्या मतलब, आज ही तुमने कहा था मेरा ये, तुमको आ गया ये क्वेश्चन? बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो. सर स्टार्टिंग का हिंट थोड़ा सा पता था, मैंने पेपर देखा था लास्ट ईयर का. अच्छा वही मैंने बोला. चलो ठीक है ना, बट वेरी गुड. बाकी बच्चे भी ट्राई करें बेटा, और स्पेशली अगर जिन्होंने क्वेश्चन को नहीं देखा है वो ट्राई करें, आंसर आ जाए. आगे या समझ लो कि आपका लेवल बहुत अच्छा है, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन. आप ईमान कर सकते, मैं आपको समझाऊंगा भी, भले ही तुमने पेपर देखा होगा, बट इसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. एक अच्छा बच्चा जिसकी अच्छी रैंक आएगी वो क्या सोचेगा, तो ऐसे रैंडमली नहीं कि गेस वर्क से आंसर किसी तरह आ गया. ऐसा भी होता है कि आप लकली आपने उसी पॉइंट पे सोचा जहां पर अटैक होना चाहिए और आपने उसको आंसर कर लिया, लेकिन एग्जाम में कोई दूसरा हल्का सा भी चेंज करके वो आपको कंफ्यूज कर सकता है. सो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टोटली, बट आप इसको एक बार परफेक्ट वे में सॉल्व करो, देखो क्या क्या आंसर्स किसी ने भेजे नहीं. और यार कम से कम
इसमें ही डाल दो चैट बॉक्स में, या अभी अटेम्प्ट ही चल रहा है। हो पा रहा है बेटा लोगों से क्वेश्चन? यस सर, दो मिनट शांति, कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा प्रत्याशा, वेरी गुड। आप लोगों ने बुकलेट अटेम्प्ट किया है क्या बेटा? Have you started attempting booklet? Yes, sir. Oh.
वेरी गुड गौरव. हो गया बेटा. क्या सबको आया? मैं डिस्कस कर लूं? मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? सर आ रही है आवाज. बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? चलो डिस्कस कर लें. Yes, guys, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, तो पहली चीज है यू नीड टू अंडरस्टैंड रिएक्शन क्या हो रही है. तो एक बेंजीन दिया हुआ है और उसकी रिएक्शन हो रही है एक एनहाइड्राइड के साथ, है ना, ये दिया हुआ है और AlCl. ये कितनी बार मैंने आपको ये चीज कराई है बताओ, कौन सी रिएक्शन है ये? Now you try to understand, कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया इन लोगों ने कि आपने इतना पढ़ाई किया लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड होंगे क्योंकि इतना आसानी से ऐसा तो दे नहीं दिया उसने. उसने ग्रुप्स लगा दिए बेंजीन में. एक ग्रुप लगाया हुआ है कुछ ऐसा, वैसे इसके बारे में मैंने सब बताया, फिर भी कंफ्यूजन होता है. इधर एक ग्रुप लगाया जिसमें इस तरह से ऐसा लगा हुआ है. अब फिर एक यहाँ CH2 है. मैंने जानबूझ के इसको ऐसा कनेक्ट नहीं किया, ओनली टू शो कि डिफरेंस कैसे आएगा. तो तुम देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि व्हेनेवर अल्काइल ग्रुप इज कनेक्टेड टू बेंजीन, इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इज डिसाइडेड बाय व्हाट? हाइपर कॉन्जुगेशन. तो बताइए, ये ग्रुप डिसाइड करेगा, ये ग्रुप डिसाइड करेगा, या ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर डिसाइड करेगा? बताए इसके अंदर कौन कौन? CH3 नहीं है, CH2 है. ये CH3 है, ये CH3 है. किसकी बात कर रहे हो? CH2. क्योंकि ये तो ऐसे कनेक्टेड है ना, तो अपना एक्चुअल कंपाउंड देखो. मैंने तो डिजाइन केवल हल्की सी चेंज की है. यानी ये आंसर डिसाइड करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे. यानी इसका ऑर्थो पैरा देखोगे, सो इसका पैरा तो ब्लॉक्ड है, ऑर्थो केवल ये पोजिशन है. इसका मतलब यहाँ पर अटैक होना है,
क्या सबको ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो पहले अपने नोट्स में क्या तुमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया? क्वेश्चन कॉपी करके इतनी चीज हाईलाइट करो कि पहली चीज ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एन अटैक विल अकर हियर, व्हाई, उस चीज को हाईलाइट करो। सबने लिख लिया बेटा? सर जस्ट अ मिनट प्लीज। अभी केवल इतना ही हाईलाइट करना है कि इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अटैक अकर्स हियर, व्हाई, और उसके नीचे ये चीज हाईलाइट करना। किसी को कंफ्यूजन हो तो बोल देना, आई कैन रिपीट थिंग्स, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका सॉल्यूशन अच्छे से बनना चाहिए। हो जाए तो बता देना बेटा। सर वो CH2 इसी से मतलब ब्लॉक, तुम कंटिन्यूअसली ऑन करके रखो बेटा माई। नहीं, आई एम नॉट एबल टू हियर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हाँ बोलो सर। ये जो CH2 वाला आपने जो पॉइंट बोला था कि वो रिपीट मतलब कि वो ब्लॉक कर रहा है, वो पोजीशन के बारे में वापस बताइए ना। मैंने ये बोला है सबसे पहली चीज कि यहाँ तीन ग्रुप्स हैं और इन तीन ग्रुप में इसके पास सबसे ज्यादा एच हैं जो बेंजीन के लिए अल्फा एच का काम करते हैं, तो इस ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा मैक्सिमम वाला, तो बोलेंगे मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है? यस सर। फिर हम बोलेंगे दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ऑल्सो, तो इसका ऑर्थो इज दिस वन, पैरा इज दिस वन, बट पैरा ऑलरेडी हैज अ ग्रुप, so there will not be any replacement here, क्योंकि उसके लिए H होना चाहिए, तो H केवल यहाँ पर है, so इसीलिए attack केवल यहाँ पर होगा। Okay sir।
सर आप आगे बताइए. सो उसके बाद ये जो आपका एनहाइड्राइड दिया हुआ इसका अटैक सीधे सीधे होगा, इसको ब्रेक कर देंगे और इसको लेकर के कहां जाएंगे बेटा, यहाँ. ठीक, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बाकी हिस्सा अपनी जगह ऐसा रहेगा, आप इस तरह घुमा देना. यहाँ पर मैं इस सी डबल बॉन्डो को कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर उसमें एक सी एच टू है, फिर सी एच टू है, फिर उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है. बेटा किसी को कोई डिफिकल्टी? नो सर. नहीं. फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, इसके बाद वो जेड एन एच जी एच सी एल डाल रहा है. जेड एन एच जी एच सी एल बोलिए क्या होता है ये? आप सोचिए मतलब आपके नोट्स में हर चीज अवेलेबल, सिमिलर क्वेश्चन है, केवल यहाँ तीन ग्रुप्स लगा दिए. ठीक है ना, तो ये लकी है कि आपको वैसी चीजें एग्जाम में मिलने वाली है. और ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है ना, ये बहुत दिनों से मैं कराता हूँ और बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. तो केवल ये कि आपके पास जो चीजें हैं वो एग्जाम हॉल में आपको करके आनी है, वो नहीं कि हल्का सा उसने ये ग्रुप लगा दिए तो उसमें कंफ्यूज हो गया, पूरा क्वेश्चन कचरा कर दिया. अब इसमें ये लेकिन पूछा नहीं है उसने बेटा, है ना, क्योंकि इसमें जो है एक तो ये सी एच टू बना दोगे, फिर सी एच टू एक और आएगा, फिर सी एच टू आएगा, फिर इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ए. कई बार मिस्टेक कर देते हैं, सी एच टू तीन हो गया बेटा, ये ध्यान देने वाली बात है. फिर इसमें उसने क्या डाल दिया है, एच थ्री पी ओ फोर. क्या तुम्हें याद है बेटा मैंने बोला था कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है उसमें एल्कीन हो सकता है? यस सर. उसमें एल्कोहल हो सकता है, उसमें एल्काइल हैलाइड हो सकता है. एल्काइल हैलाइड होगा तो डेफिनेटली एक लुईस एसिड होगा, एल्कोहल होगा तो प्रोटोन एसिड हो सकता है या लुईस एसिड हो सकता है, अगर एल्कीन है तो प्रोटोन एसिड होगा. इस तरह से मैंने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इसमें उसने क्या डाल दिया बेटा, प्रोटोन एसिड. तो क्या होगा, ये जो सी ओ एच ग्रुप है इसका ओ एच हटाओगे और ये ऐसे अटैक कर देगा. क्या सबको समझ में आया? यस सर. क्योंकि कोई और पोजीशन बची नहीं अटैक करने की, तो तुमको ज्यादा सोचना ही नहीं है, उसके बगल में अटैक कराना, कुछ और हो ही नहीं सकता. तो एक रिंग बन गया आपका, समझ लो. आई होप आप समझ पा रहे. ये आर आपका होगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या तुम्हें आर वाला बेटा, जिसमें रिंग ऐसी बन रही हो? लेकिन उसकी खास बात यह कि सीओ जो है वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, इस तरफ वाले हिस्से में. क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है बेटा तुम लोगों को? नहीं सर, ओ डबल बॉन्ड अलग जगह पे नहीं दिख रहा. हाँ लेकिन क्यों दिख रहा है तुम्हें, क्यों दिख रहा है? क्यों आ गया डी ऑप्शन में, देखो क्यों आ गया है ना, क्यों आ गया. yes, उस क्यू का आर नहीं है, वो आर उल्टा उन्होंने बना दिया है. तो कितने चालाक लोग हैं, हल्का सा भी तुमने मिस्टेक की तो हो गया कचरा. अब उन्होंने क्या किया, इस पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अटैक कराया. तो बताओ बड़ा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है उस क्यू सॉरी उस इस आर में, मैं आर चाहे तो लिख भी देता हूँ, ऐसा है यहाँ है, इधर कनेक्टिविटी है, फिर यहाँ करके कुछ आया और यहाँ सी डबल बॉन्ड. बताइए कि किस हिस्से में वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट अटैक करेगा? कैन यू गेस? डबल बॉन्ड हो सर, डबल बॉन्ड ऊपर, डबल बॉन्ड. अच्छा पहले इतना तुम लोग लिख लो यार, क्योंकि सॉल्यूशन बना रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जितना हमने किया अभी लिख लो, देन आई विल टेल यू कि जो लास्ट का फ्रीडल वो रिएक्शन है ग्रिगनार्ड का, वहां ये वाला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है बेटा. इसको अच्छे से लिखना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. और ये चीज चाहे तो हाईलाइट कर लेना, क्योंकि आज आपको एल्कोहल मिल रहा है, कल को. अच्छा ये सॉरी मुझसे गलती हुई, एसाइलेशन ही है यार, एसाइलेशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. हाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं एसाइलेशन के लिए, एनहाइड्राइड ले सकते हैं और एसिड हैलाइड ले सकते हैं. ये तीन चीजें ली जाती है. और जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो हमेशा हम लोग प्रोटोन एसिड यूज करते हैं, वही इन्होंने किया हुआ है. ठीक है, इसको लिखना, ऊपर वाले को नहीं लिखना, वो बाय मिस्टेक हो गया, मेरे दिमाग में अल्कोहल चल रहा था. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस हिस्से को लिखना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही है वो. ओके सर. कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा. यस. सर आपने ओएच हटाने के बाद क्या किया? ओएच हटाने के बाद ये कार्बन जो है सीओ का, इसको सीधे इस बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर दिया, सीओ अपनी जगह रहेगा. तो जो तुम्हारा समझ लो इन्होंने आर दिया है ना, उसको अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो वो आर सही हो जाएगा. ओके सर. टेढ़ा मतलब सीओ उस तरफ होना चाहिए, लेफ्ट साइड, उन्होंने राइट में बनाकर दे दिया.
सर आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्या एक्सप्लेन किया था आर सी डबल बॉन्ड वाला? ये बेटा मेरे से गलती से मैंने मुझे लगा एल्काइलेशन है तो मैंने ये बोला था एल्काइलेशन के लिए तीन चीजें यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड एल्कोहल या फिर एल्कीन, जबकि एसाइलेशन है तो तीन चीजें क्या रहती हैं एनहाइड्राइड या एसिड या फिर आरसीओसी। ओके सर सब लोग अच्छे से कॉपी करो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डन हटा दें इसको, समझ गए आगे बढ़े सर थोड़ा सा टाइम दीजिए ना। ओके सर। यस सर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जो एनसर्कल्ड है रेड में वो एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? बॉटम लेफ्ट में क्या है बेटा एनसर्कल का ये वाला पार्ट? नो सर उसके राइट में ये वाला। सो हियर आई टोल्ड दैट सिंस दिस रिएक्शन इज फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई टोल्ड दैट फॉर फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन वी यूज थ्री रिएजेंट्स ईदर एसिड एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड। ओके व्हेन वी टेक एसिड then proton acid is required for acylation while for anhydride or acid halide we can use loose acid so this reaction this step is actually Friedel-Crafts acylation. Okay sir. Devin is saying sir bus enough for today. tum to Devin bahut padhte the beta pehle. सर उसका नाम से कोई और है शायद क्या बेटा? हाँ सर मेरे को समझ में नहीं क्या बोला तुमने? तो वो बोलते हैं कि उसके नाम से कोई और आता है हर बार। अच्छा हो सकता है सबने लिख लिया बेटा सर अब तो कोई और ही था वो का। यस सर चलो इसमें अब नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा इसका रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहां पर अटैक करता है बेटा? इसमें कौन से पार्ट पर अटैक करेगा बोलो? ओनली दिस पार्ट राइट। सो अगर इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा ऐसा दिया हुआ है ना तो इस पे R ने जब अटैक किया तो ये O माइनस से फिर OH बन जाएगा ऐसा दिया हुआ है क्या? ऐसा कुछ पूछा है क्या? क्वेश्चन एक मिनट ओपन करता हूँ। पूछा क्या है इसने? अच्छा इसने S पूछा है तो ये जो एल्कोहल बनेगा ना इसका फिर डिहाइड्रेशन करा दिया उसने एसिड डाल दिया ना तो एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में डबल बॉन्ड ऐसा बना दो कि जो तुम्हारा कोई और डबल बॉन्ड है या बेंजीन रिंग है उसके साथ कॉन्जुगेशन हो जाए तो क्या ऐसा एस मैच कर रहा है बेटा? मिल रहा है इसका मतलब डी इज ऑल्सो राइट। तो आंसर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? बी डी सही आ गया आपका। यस सर। चलो इसको लिख लो आप कोई कंफ्यूजन में तो बोलो आप। चलो एवरेज एग्जाम में कितने टाइम में होना चाहिए था क्वेश्चन? इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि ऑप्शंस रहते हैं बेटा। तुम्हें केवल ये आइडिया होना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है और कहां पर अटैक होगा तो तुम जो उससे मिलता जुलता होता है उससे शुरुआत कर देते हो तो आपको जरूरी नहीं कि क्यों बनाना ही पड़े। अगर वो पहला मिल रहा है तो उसको यूज कर लो उसको आगे बढ़ जाओ तो ऐसा रहता। थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहता आपको कोई सोल्यूशन लिख कर तो देना नहीं है उसको तो हार्डली आपको 3 मिनट्स में इसको कर देना है। थोड़ा बहुत अंदाजे से भी दे देते हैं आंसर। क्या चीज?
थोड़ा बहुत अंदाजा लेके भी आंसर दे देते हैं क्या? हाँ मतलब अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, जैसे मान लो मुझे इसमें से सी इग्नोर करना है, आर मेरा ये आंसर नहीं, तो मैं समझ गया ना कि मेरे को लेफ्ट, मैंने जैसे मैंने खुद भी जो तुम्हें लिख कर दिया उसमें मैंने पहले बनाया नहीं था ये, मैं तो केवल ये हल्का सा ऐसा बना रहा था, तो मैंने ऐसा डंडा लगाया, तो मैं समझ गया कि मेरा इधर आना चाहिए उधर नहीं आना चाहिए, तो मैं नहीं उसको सिलेक्ट करूंगा, समझे ना। और ये हल्का सा मैंने बनाया था, ये सब डिजाइन मैंने थोड़ी ना बनाई, मैं तो केवल ये बना रहा था कि सेकंड पोजीशन पे अटैक करा दो, सेकंड पोजीशन पे अटैक करा दो, तो ऐसा जैसे ही दिख जाएगा मैं उसको टिक कर दूंगा। ओके ठीक है, तो पेपर के टाइम पे काफी एप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं ना कहां पर बेटा? हां एग्जाम में ना, तो वो तो एलिमिनेशन के बेसिस पे आप सॉल्व करो तो वो हमेशा सही जाता है। ठीक है चलो, ये एक्चुअली एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो मुझे कराना था, आप चाहें तो अभी रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बुकलेट अटेम्प्ट कर लेना और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये नया चैप्टर शुरू कर देंगे, और फिर जिस दिन आप बोलोगे कि बुकलेट हो गया है, सब लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लोगे, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर एल्काइल एराइल हैलाइड्स। सर किसी ने कुछ बोला बेटा? हाँ सर बोलो। सर मैं बोला कि सर रिएक्शन उतने अच्छे से मतलब बन नहीं रहे थे, उसके लिए मैं क्या करूं? क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, एमएस शाहन करो, उसकी सॉल्यूशन बुक भी खरीद लेना। ठीक है सर, एमएस शाहन वो जो क्वेश्चन वाले है वही? हाँ केवल क्वेश्चंस वाली, एडवांस प्रॉब्लम्स ऐसा करके होगा वो। ठीक है ओके सर, और कुछ नहीं करना है, वो बुक सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन। सर मतलब कुछ ऐसा बेसिक बुक नहीं है क्या? तुमको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, मैं थोड़ा तो तुम क्या कर सकते यार, मतलब लेकिन उससे अच्छी नहीं होगी बेटा, मतलब उसके क्वेश्चन अच्छे है, ये है कि ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, अगर तुम करोगे तो हो जाएगा यार, तुम्हारे पास नोट्स बहुत हैं, और आंसर देख लो फिर अटेम्प्ट करो, गिव अप नहीं करना है, केवल ये माइंड में अगर है तो चलेगा, बस वही गिव अप नहीं करना है, इसी कारण ना मतलब और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो वही मतलब कुछ और मेहनत कर ले तो बढ़िया हो जाए, तो वही एमएस शॉन करो ना, ये मत सोचो कि मेरे को होगा कि नहीं होगा, जस्ट ट्राई टू गेट द एक्सपीरियंस कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ओके सर ठीक है, बाकी तुम्हारा बुकलेट पहले करो, बुकलेट को कंसीडर करो इजी है ऐसा मान करके, टाइम खूब सारा दो और फिर दूसरा जो बुक है वो सॉल्व कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। ओके।